गोद देगा सारे देश में। क्या नाम, आपको इज्जत दी है लोगों ने, इसका ये मतलब तो नहीं है आप नए जायज आप फायदा उठाओ। महंगाई की सूरी दाल भजन ये है कि महंगाई जो है कमर तोड़ महंगाई हो गई है। जब झापका हुकूमत ने ये साबित कर दिया कि ये ऐसी चोर हुकूमत कभी नहीं आएगी। महंगाई ने महंगाई से ना पूछो जी हमारे से। फिर तो बड़े खुश होने इमरान खान को, वो कहते घबराओ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद शब्बीर। और सर आपका? मलिक शकील अहमद सईदी जी। मलिक शकील अहमद सईदी साहब। मलिक साहब ये बताएं कि हमने लोगों से ओपिनियन लिया महंगाई के हवाले से, तो आप क्या कहते हैं महंगाई कैसी? आपने तो बल्ब भी 50 रुपए का लगा रखा है LED, जबकि मैंने तो मार्केट में कुछ और सुना हुआ है। इसके बारे में ज़रा बताएं ना, महंगाई है या नहीं है? हिसाब से मैं पूछ लूँ। महंगाई है जी, हर चीज़ महंगी। चीनी 100 रुपये, आटा 60 रुपये, हर चीज़ सब्जी देख लो 100 रुपये, गोश्त देख लो 350 रुपये। कोई क्या कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई की सूरी दाल भजन ये है कि महंगाई जो है कमर तोड़ महंगाई हो गई है, ना काबिले बर्दाश्त हो गई है। आप किसी मुलाजिम से पूछेंगे वो कहेगा मैं मर गया, किसी दुकानदार से पूछेंगे मैं मर गया, किसी रेडी वाले से पूछेंगे मैं मर गया। जी सूरी दाल ऐसी है कि हर बंदा जो है ना जी वो लेवल जो है ना जी उसका बहुत नीचे तक जा रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी मुश्किल हो गई है। मलिक साहब आपने फिर ये 50 रुपए का बल्ब कैसे लगा लिया? 50 रुपए का बल्ब मैंने इसलिए लगाया, मेरा भाई हम बेचते हैं साल की वारंटी में बल्ब। अगर हम इसको दोबारा सेट करके बेच दें 120 रुपए के हिसाब से या उसकी वारंटी के हिसाब से, वो जेब नहीं रहता, ठीक है ना जी। वो जो रिपेयर शुदा बल्ब है ना जी सर्किट में, हम उसको 50 रुपए की सेल लगाए हुए हैं ताकि अपना घर भी पूरा हो जाए। गरीब आदमी 125-130 रुपए का 50 रुपए बल्ब नहीं खरीद सकता। चलो घर में रोशनी तो पैदा, रोशनी तो कर ले अपने घर में, वो हमने 50 रुपए बल्ब बनाया हुआ है। महंगाई ने महंगाई से ना पूछो जी हमारे से। अच्छा हाँ, महंगाई के बारे में तो पूछो ही ना, वो तो आपको नहीं पता, हमें भी पता है नहीं, बहुत बुरा हाल है। नहीं मतलब आम रूटीन में तो 120 का दे रहे हैं, आपके हम 50 रुपए का दे रहे हैं। क्या चीज़ मतलब? ये तो सेल लगी है, इसका मतलब फिर महंगाई तो ना हुई? नहीं नहीं, महंगाई जिस चीज़ की है उस चीज़ का पूछो, घी का पूछो हमारे। अच्छा चीनी का पूछो हमारे से। नहीं चीनी घी वो तो हम रूटीन में आ रहे हैं, तो वही है ना। अच्छा अब ये तो एक दफा लगाया, अगर नसीब अच्छे हो तो साल चलता रहेगा। सही, घी तो रोजाना लेना है। फुल जी, फुल महंगाई, फुल महंगाई। फिर तो बड़े खुश होने इमरान खान को, वो कहते घबराओ ना। घबराओ ना तो की कहने उन्होंने मेहरबानी की महंगाई घट कर जाए, बस काम की जाए महंगाई। गरीब आदमी मर रहे बेचारा। आप क्या काम करते हैं? रेडी लगाते हैं, दिहाड़ी बनती भाई। कितनी दिहाड़ी कमा लेते होंगे डेली? 100-150 बस, तो खर्चा तो बंदे का 1000 हो जाता है एक दिन से। तू खा रहे भाई? अच्छा नहीं यार, वैसे असी जाने 150-100-150 के बंद रेडी वाला कहना भाई चल अगे जा, तुम कह रहे हो असी 100-150 एक दिन से। काम नहीं है ना भाई, की करिए? यानी कि कमा इतने कम ही रहे हो नॉर्मल लग रहा है, लग रहा है जिंदगी लगी गएगा। अच्छा तो मैंने दसो पहले हुकूमत सही थी क्यों? पहले बड़ा कारोबार से। अच्छा यानी नानी मियाँ साहब बिल्कुल ठीक नहीं? मियाँ कहना महंगाई घबराओ ना, सारा काम ठीक कर दूंगा। अच्छा और बिजली महंगी, गैस महंगा, क्या चीज सस्ती है? गरीब भाई परेशान है। इतना ये अजाब किया हुआ आपने वजीर आजम साहब हमारे, हो आप क्या नाम, आपको इज्जत दी है लोगों ने, इसका ये मतलब तो नहीं है आप नए जायज आप फायदा उठाओ। अब ऐसे शहर है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे आप ढूंढो, मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं से आप मिलो, मैं मियाँ साहब के पीछे लगे हुए हो। बकाया जो कारोबार वाले बंदे हैं, जो एजेंसी के बंदे हैं, जो उनसे 100-100 कट्टे जिन्होंने स्टार्ट किए हुए, घी का रेट कहाँ पहुँच गया है, चीनी का रेट कहाँ पहुँच गया, गरीब आदमी क्या करें? गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, 400 रुपये कमाने वाला एक दिन का घर का खर्चा कैसे अफोर्ड करेगा? आपको सिर्फ बोलना आता है और कुछ नहीं कर सकते हो आप। और यही कहना चाहते हो आप, घबराओ ना, घबराओ ना। एक दिन टमाटर की रेडी लगा के देखो, 500 रुपए का टमाटर लाओ आप 20 किलो की पेटी, शाम को उसमें से 10 किलो बिकेगा, 10 किलो खराब हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम को तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी से ही मुताज कर दिया,
जो झूठे वादे किए भाई, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ घर देंगे, मैं तो कहूँ उनकी 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। इतनी महंगाई हुई जब सबका हुकूमत ने ये साबित कर दिया कि ये ऐसी चोर हुकूमत कभी नहीं आएगी। बाकी रहे ये झूठे वादे जो है ना, अच्छे नहीं होते। आवाम का एतमाद जो है अब इस इमरान खान से उठ गया। काउंसलर, मेरी वाइफ भी काउंसलर है, इस इलाके के अंदर जितने भी हमने काम किए हैं, जो घंटों के रास्ते थे मिनटों के बना दिए, सड़कें बना दी, मियां साहब जैसी हुकूमत कोई नहीं कर सकता।